दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम पर पहला वनडे मुकाबला शुरू हुआ, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पिच का मिजाज भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम जब उतरी तो हर किसी को यही लग रहा था कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 250-200 रन ही बना पाएगी। लेकिन दोस्तों श्रीलंका की टीम ने इस मैच में वह कारनामा करके दिखाया जिसके लिए वो जानी ही नहीं जाती अब। जी हां, हुआ ये कि श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए जब पथुम निसंका और अविष्का फर्नैंडो उतरे तो यहां पर दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि अगर मैदान पर कर दिखाना है तो बड़े शॉट तो लगाने ही पड़ेंगे। और इस दौरान श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां पांचवे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लेग ब्रेक गेंद पर अविष्का फर्नैंडो को बोल्ड आउट किया और 25 रन बनाकर अविष्का फर्नैंडो अपना विकेट गवा बैठे। अब दोस्तों अविष्का फर्नैंडो के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए कुशल मेंडिस, जहां कुशल मेंडिस और पथुम निसंका पर अब पूरा दारोमदार था अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का। हालांकि इस दौरान बेचैनी जरूर टीम इंडिया की बड़ी हुई थी कि इन दोनों बल्लेबाजों को जैसे तैसे करके जल्दी आउट करना है, क्योंकि इन दोनों का ही फॉर्म श्रीलंका के लिए सबसे बेहतरीन चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहां इन दोनों बल्लेबाजों ने आज रोहित शर्मा की कप्तानी भारतीय गेंदबाजों को फेल कर दिया। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 77 गेंदों के भीतर शतकीय साझेदारी को अंजाम दे दिया। अब श्रीलंका का स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मानो ऐसा लगने लगा कि अब भारत के हाथ से यह मुकाबला निकलता चला जा रहा है। अब यहां पिच इतनी मुश्किल थी, बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी पथुम निसंका ने यहां शतक जड़ने से अपने कदम पीछे नहीं हटाए और पथुम निसंका के बल्ले से आज 103 रन की पारी निकली। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि वो कुलदीप यादव को अब गेंदबाजी थमाएंगे और यहां 23वें ओवर की छठी गेंद पर कुलदीप यादव ने पथुम निसंका को जब 103 रन पर आउट किया तब जाकर भारतीय टीम की सांसों में सांस आई। अब दोस्तों दो बड़े झटके श्रीलंका की टीम को लग चुके थे, लेकिन स्कोर इतना आगे बढ़ गया था कि अब श्रीलंका की टीम 250 रन के पार पहुंचती हुई नजर आ रही थी। अब यहां एक तरफ कुशल मेंडिस टिके हुए थे तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा समर विक्रमा उतरे। अब यहां सदीरा समर विक्रमा और कुशल मेंडिस के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही 74 रन बनाकर खेल रहे कुशल मेंडिस के रूप में श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका लगा और यह विकेट भी कुलदीप यादव के नाम रहा। अब भारतीय टीम ने श्रीलंका को 3 बड़े झटके दे दिए थे। अब यहाँ भारतीय टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंका का विकेट गिराना जरूरी था, लेकिन दोस्तों यहाँ सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंका ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया और इस दौरान अपने 50 रन से चूक गए सदीरा समर विक्रमा ने 49 रन की पारी खेली, जिसके बलबूते पर श्रीलंका की टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार किया। लेकिन अब दोस्तों चरित असलंका और वानिंदु हसरंगा अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने का, इस दौरान दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए तो नजर आए और इस बीच चरित असलंका ने आज अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेलते हुए 89 रन बनाए तो वानिंदु हसरंगा ने 36 रन बनाकर भारतीय टीम को भारतीय टीम के खिलाफ इस मैच में अपनी टीम को 378 रन तक पहुंचाया। जी हां दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लगने लगा था कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में 250 रन के पार भी नहीं जाएगी, लेकिन आज श्रीलंका ने 378 रन बनाकर भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली और इस दौरान टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव के नाम रहे तो एक एक विकेट मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के नाम रहा। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की, क्योंकि स्कोर तो वैसे भी इतना ज्यादा बन चुका था। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत की तरफ से पारी की शुरुआत की, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था मैच में सबसे ज्यादा रन भारत के लिए जोड़ने का बतौर ओपनिंग पेयर। लेकिन दोस्तों यहां शुभमन गिल का फॉर्म वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है और उनसे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। अब 379 रन बनाने थे भारत की टीम को और शुभमन गिल मात्र 17 रन बनाकर ही अपना विकेट खो बैठे और शुभमन गिल का विकेट गिर जाना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि दोस्तों इस मुश्किल वक्त में बस शुभमन गिल और रोहित शर्मा से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों खैर, अब शुभमन गिल तो आउट हो गए दिलशान मधुशंका के हाथों, लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पूरा दारोमदार था टीम के स्कोर को करीब लेकर जाने
बनाने का। लेकिन दोस्तों इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच साझेदारी 48 रन की हो ही पाई थी, तभी 25 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका भी लग गया। अब दोस्तों टीम इंडिया पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लग गई, क्योंकि भारत के खिलाड़ी अब एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ रोहित शर्मा किसी के भी आउट होने से रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी ऐसे ही जारी रखी। रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी मात्र 28 गेंदों में पूरा कर लिया, और अर्धशतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे, उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 100 रन की साझेदारी भी कर दी। केएल राहुल भी बढ़िया फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन दोस्तों जब सबसे ज्यादा डर लग रहा था भारत का विकेट न गिर जाए, तभी केएल राहुल के रूप में तीसरा बड़ा झटका टीम इंडिया को 27वें ओवर में लगा, जहां केएल राहुल इस मुकाबले में 54 रन बनाकर आउट हुए। अब केएल राहुल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा फिर से एक छोटी सी साझेदारी करते हैं। लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर का रोल बस इस टीम में इसी का था कि वो मैदान पर उतरेंगे और चौके छक्के के अलावा रन भागने पर ध्यान नहीं देंगे, जिसका फायदा भारत की टीम को भी मिला। यहां श्रेयस अय्यर ने 19 गेंदों में ही 50 रन जोड़ लिए थे, और यहां श्रेयस अय्यर फिर कहां रुकने का नाम ले रहे थे। श्रेयस अय्यर का बल्ला चलता चला गया और यहां श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए 63 रन जोड़े। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर जब आउट हुए, तब टीम इंडिया पर और दबाव बन गया। अब भारत की टीम के पास एक ही विकल्प मौजूद था और वो था ऋषभ पंत, जहां रोहित शर्मा और ऋषभ पंत मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान रोहित शर्मा अपने शतक के करीब रहते हैं, तो वहीं ऋषभ पंत भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को जिताने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। इस दौरान मैच जा पहुंचा अंतिम ओवर में, जहां अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 27 रन की जरूरत थी। सामने थे ऋषभ पंत। अब पहली गेंद जब मथीसा पथिराना ने करवाई, तो पहली गेंद तो ऋषभ पंत ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर भापते हुए डीप कवर्स की तरफ शॉट खेलकर ऋषभ पंत ने चौका बटोरा। अब भारत को 4 गेंदों में मैच जीतने के लिए 17 रन की दरकार थी। टीम इंडिया अभी भी दबाव तो महसूस कर रही थी, लेकिन अभी दोस्तों ऋषभ पंत मैदान पर थे, और तीसरी गेंद को ऋषभ पंत ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के में भेज दिया। अब भारत को 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। अब चौथी गेंद मथीसा पथिराना ने बिल्कुल जड़ में यॉर्कर डाल दी, जिस पर 1 रन मात्र ऋषभ पंत को मिल पाया, और स्ट्राइक पर आ गए रोहित शर्मा, जो कि अपना शतक जड़कर मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहे थे। अब पांचवी गेंद रोहित शर्मा ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अब भारत को मैच जीतने के लिए मात्र 4 रन चाहिए थे, और रोहित शर्मा ने लेग साइड की तरफ शॉट खेलते हुए चौका जड़कर भारतीय टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर मैच जिताया, जहां भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। वहीं हम आपको बता दें कि इस मैच में रोहित शर्मा ने शतक जड़ते हुए 135 रन बनाए, तो ऋषभ पंत ने भी अहम पारी खेलते हुए 83 रन बनाए, जिसके बलबूते पर भारत की टीम यह मैच जीतने में कामयाब हो पाई। बाकी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मैच से ठीक पहले खेला गया यह इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत की शानदार जीत के बारे में, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे। ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।